हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओम सर फाउंडेशन। दोस्तों, बढ़ती बेरोजगारी की जो समस्या है आज लगभग हर किसी को सता रही है। कोविड-19 का जो दौर है, इस दौर में तो काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे थे या अपने रोजगार के लिए सोच रहे थे, वो भी इस दौर के चपेट में आकर वहीं के वहीं रुक गए हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम लागत में रोजगार करना चाहते हैं या कुछ ऐसे सिक्योरिटी के साथ जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे इनकम तो कम हो, सैलरी कम हो, परंतु रेगुलर हो, साथ ही साथ जो उनकी सिक्योरिटी है जॉब की वो बनी रहे। दोस्तों, आज आप लोगों से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो आप कम से कम लागत में आप कोई भी किसी तरह का रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर जॉब करना चाहते हैं, नॉर्मल इंटरव्यू के साथ साथ आपका जो मोटिवेशन है उस मोटिवेशन के आधार पर आपको जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी समस्या का जो समाधान है आप लोगों से कुछ शेयर करेंगे और जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लें ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, आप उस चीज का लाभ उठा सको। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपनी जीविका चलाने के लिए हर कोई जॉब या रोजगार करता है। दोस्तों, ये जो जॉब और रोजगार इजीली प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं आज के दौर में, जो कोविड-19 का दौर है, एक दौर ऐसा है कि इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो काफी परेशान है। पहले से जॉब कर रहे थे मगर उनका जॉब छूट चुका, साथ ही साथ कोई रोजगार कर रहा था तो उस काफी मतलब गिरावट आई, काफी परेशानी आई, इफेक्ट आए कि वो मतलब लगभग एक बंद कर दिए या फिर चला रहे हैं तो लॉस में चला रहे हैं या एक एक्सपेंस केवल निकल पाते हैं। दोस्तों, आप जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती होगी। दोस्तों, इसी चीज का जो समाधान है, एक ऐसा सेक्टर है आप लोग को संतुष्टि भी दिलाएगी, साथ ही साथ आपके जो प्रॉफिट है, जो सैलरी है, जो आप अगर कोई अर्थ बनाना चाहते हैं इस रोजगार में, इस जॉब के माध्यम से आप पा सकते हैं। दोस्तों, ये सेक्टर जो है वो एनजीओ कहलाता है। दोस्तों, ये एनजीओ ऐसा सेक्टर है जहां पर अगर आप वर्क करते हैं, यहां पर आपको हर तरह की फैसिलिटी भी मिल जाती है और साथ ही साथ आपके जो जॉब में सेटिस्फेक्शन होने चाहिए वो सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है, जो मन की तसल्ली है। अगर आप जॉब करते हैं तो एक होता है कि आप बहुत परेशान सा लगते हो, मैं जॉब कर रहा था तो मुझे भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी, उस तरह से दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, आप जॉब करते हो, अगर जॉब करते हो अगर आपको तसल्ली ना मिले तो वो जॉब लगभग करने का मन नहीं होता है लॉन्ग टर्म। दोस्तों, आप अगर किसी इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाते हैं क्योंकि केवल आप सिर्फ अपने लिए करते हो तो एक मन की संतुष्टि तो मिल जाती है, आपको सैलरी आता है, थोड़ा सा मोटी रकम आती है तो आपको संतुष्टि तो मिलता है, परंतु आपको दिल की जो तसल्ली है, आपका जो दिल है वो वहाँ पर भरता नहीं है, मानता नहीं है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, मैं भी था, ठीक है। तो साफ शब्दों में कहें तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह का आपको संतुष्टि नहीं मिल पाता है। आप अपने फैसिलिटी जो हैं वहाँ पर उससे तो अर्जित कर सकते हैं, परंतु समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक मतलब एक कसक सारा जाता है कि आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आप अपने लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, एनजीओ में आकर अब आप जॉब करना चाहते हो या रोजगार इस सेक्टर में करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपने मतलब अर्थ भी बना सकते हो, साथ ही साथ आप अपने फैमिली को सिक्योर भी कर सकते हो, आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हो। थोड़ा इनकम कम है परंतु आपको यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप अगर कोई जॉब करते हो तो आपको सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट रखता है, साथ ही साथ दिल की तसल्ली जो मिलती है वो अलग ही आपको एक फील देता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम इस तरह के काम करें कि जो दिल को तसल्ली भी दे और आपको एक सिक्योरिटी के साथ भी, फैमिली सिक्योर हो, सब कुछ हो, उसके साथ क्यों ना काम करें। दोस्तों, अगर एनजीओ सेक्टर में आप वर्क करना चाहते हो या रोजगार करना चाहते हो इस सेक्टर के माध्यम से तो आपको कुछ फॉर्मेलिटी होती है नॉर्मल, वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हो तो आपको इजीली इस सेक्टर में जॉब भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ आप रोजगार भी करना चाहते हैं तो एक कम लागत में। दोस्तों, एनजीओ ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसेस है आप लोगों से शॉर्ट में शेयर कर दे रहे हैं कि किस तरह से आप किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन करके वर्क कर सकते हैं या रोजगार कर सकते हैं। तो
इस चीज को शॉर्ट में आप लोगों से शेयर कर देते हैं। दोस्तों अगर आप एनजीओ में जॉब करना चाहते हैं या रोजगार करना चाहते हैं तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब आप एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाइड हो या आप किसी तरह का मतलब एक्सपीरियंस रखते हो तो आपको इजीली ज्वाइनिंग यहाँ पर मिल जाते हैं। पर दोस्तों अगर आप इसमें अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो तो इसके कुछ कोर्स होते हैं, अगर आप कोर्स करते हो तो इजीली एक अच्छे पोजीशन पर और एक अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाते हैं। जैसे BSW हो गया, MSW हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और साथ ही साथ सोशल वर्क को लेकर रूरल डेवलपमेंट का जो कोर्स होता है आप या किए रहते हो तो इजीली यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाती है। दोस्तों आप जॉब करना चाहते हो तो, दोस्तों अगर कोई रोजगार करना चाहता है तो एनजीओ सेक्टर से आप यहाँ पर कम मिनिमम एक लागत आप जो आती है वो 10,000 से स्टार्ट होते हैं और आपके कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। दोस्तों आज के ज़माने में 10,000 से कोई भी रोजगार स्टार्ट नहीं होते हैं, परंतु एनजीओ एक ऐसा सेक्टर है यहाँ पर एक मिनिमम लागत मतलब 10,000 की केवल लागत लगाकर आप एक स्टार्टअप कर सकते हैं और इनके जो इनकम है वो आप जनरेट करके अपने फैमिली को मतलब एक सपोर्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसमें बेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो आपको यहाँ पर मोटी इनकम भी होने लगेगी। दोस्तों अब बात करेंगे कि MSW, BSW, सोशल एक्टिविटी को लेकर जो कोर्स किए होते हैं इनके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन प्राप्त किए हैं वो एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका दायरा जो है मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूँ कि इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स तो आप किए हैं तो बेस्ट है, परंतु आपने किसी भी तरह का कोर्स किया है तो यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकते हैं। दोस्तों बारी बारी से आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूँ कि कौन से ऐसे कोर्स हैं जो आप कोर्स किए हुए हैं, उस कोर्स के आधार पर आप किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, दोस्तों हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अकाउंटेंट की नीड होती है, तो कोई भी अकाउंट रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो आप एनजीओ को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सेकेंड में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की। दोस्तों जो बीटेक बीई किए हुए हैं वो आराम से जाकर किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जिस एनजीओ में आप इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई वर्क चल रहे हैं या कोई सिविल वर्क हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो या किसी भी तरह का इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई वर्क वहाँ पर स्टार्ट होता हो या वह स्टार्ट है या वह स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब किसी भी तरह का वहाँ पे एक्टिविटी हो रहे हैं तो आप इसी एनजीओ को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड बात करेंगे मेडिकल। दोस्तों आप मेडिकल के रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है तो आप इजीली एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप अगर MBBS किए हैं, बी फार्मा किए हुए हैं या नर्सिंग किए हुए हैं तो लाइवलीहुड के ऊपर बहुत सारे वर्क होते हैं एनजीओ में, तो उस लाइवलीहुड के अकॉर्डिंग वहाँ पर जाकर अपनी मतलब आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पर आता है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी एनजीओ में जॉब होते हैं। एग्रीकल्चर के आपने जो कोर्स किए हैं उसका आप यूटिलाइज एनजीओ में जाकर आप वहां पे अजली कर सकते हैं, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में यहां पर बहुत सारे वर्क होते हैं एग्रीकल्चर सपोर्ट को लेकर। तो आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी कोर्स किए हैं तो एनजीओ को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। दोस्तों हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर एनजीओ को एक मैनेजमेंट स्किल्स वाले बंदे चाहिए होते हैं। जो मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो उनको एक मैनेजमेंट स्किल वाले भी लोग चाहिए होते हैं। आप रोजगार करना चाहते हैं या मतलब रोजगार है या आप जॉब करना चाहते हैं तो आप इजीली वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बिना मैनेजमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन करता है। को अगर मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो या आपने कोई कोर्स किया हो तो आप एनजीओ को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सिक्स नंबर पर बात हम करेंगे लॉयर की। दोस्तों हर ऑर्गेनाइजेशन को एक लीगल फॉर्म के लिए, लीगल वर्क करने के लिए एक लॉयर की नीड होती है। तो आप अगर आप LLB किए हैं, BA LLB किए हैं तो आप किसी एनजीओ को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पे जाइए और अगर उनके पास रिक्वायरमेंट है तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सेवेंथ नंबर पर हम बात करेंगे रिसर्च के। दोस्तों लाइवलीहुड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो बिना रिसर्च के नहीं रन होते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन या हर एनजीओ अपने जो वर्क स्टार्ट होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, रिसर्च करने के बाद स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई रिसर्च को लेकर एक्सपीरियंस है या रिसर्च को लेकर आपने कोई कोर्स किया है तो आप जाकर एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग की।
दोस्तों टीचिंग के रिलेटेड आपको कोई एक्सपीरियंस है या आपने बीएड किया हुआ है तो आप एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इजीली आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ हैं जो एजुकेशन के रिलेटेड काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, तो जो जिसका सेक्टर है वो उस सेक्टर में आराम से जाकर वहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे जो है मीडिया। मीडिया प्रोफेशनलिस्ट जो हैं वो एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एनजीओ में मीडिया का क्या काम है। दोस्तों आपको हम बता दें कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अवेयरनेस के साथ साथ कोई काम करते हैं, ठीक है ना। सामाजिक क्षेत्र में जो काम करते हैं तो सबसे पहले उनको अवेयर करते हैं, सामाजिक जो लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी को अवेयर करके उसके बाद वर्क स्टार्ट करती है। तो दोस्तों मीडिया का वहाँ पे ये काम होता है कि शॉर्ट मूवी बनाकर, शॉर्ट वीडियो बनाकर लोगों को मतलब अवेयर करें, साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रोजेक्ट चलने वाले हैं उसके रिलेटेड उनकी प्लानिंग करके एक शॉर्ट वीडियो बनाएं और उसको पब्लिश करें। ये मीडिया का वहाँ पे काम होता है। और भी जो उनके काम हैं आप लोग को डिटेल में कभी और बता देंगे, क्योंकि ये जो मीडिया का यहाँ पे रोल है बहुत बड़ा रोल होता है एनजीओ में या किसी भी सेक्टर में, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि बिना एडवर्टाइज के, बिना आप शॉर्ट वीडियो के या बिना इन्फॉर्मेशन के, आज डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माने में बिना इन्फॉर्मेशन जो आपका इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मतलब एक साधन है ये मीडिया। ये मीडिया के माध्यम से आप बहुत बड़ा वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मीडिया के रिलेटेड जो भी लोग कोर्स यहाँ किए होते हैं तो एनजीओ को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे कंटेंट राइटर का। दोस्तों अगर आपके पास कोई हुनर हो कंटेंट का लेकर, आप रिलेटेड कंटेंट लिख सकते हैं। आप अगर कोई कोर्स किए हो, नहीं भी किए हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है लिखने का, कंटेंट लिखने का, तो आपको इजीली एनजीओ में जॉब मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिना कंटेंट के आप इमोशनल कंटेंट लिखें या स्लोगन ऐसा लिखें जो समाज को एक अवेयर करे, समाज को मतलब एक अच्छे मुकाम पर लाने का या किसी अच्छे रास्ते पर लाने का काम करे। दोस्तों इस तरह के आपके, अगर आपके पास हुनर है कंटेंट लिखने का तो आपको एनजीओ इजीली जॉब देते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, तो दोस्तों हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरह का कोर्स किए हों, किसी भी तरह का कोर्स हो, एक्सपीरियंस हो, उस एक्सपीरियंस के साथ आप एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो तो वहाँ पर रोजगार करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं, कम लागत में कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके रिलेटेड, आप जिस फील्ड से आते हो उस फील्ड में बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, तो आप अपने फील्ड के रिलेटेड अपने एनजीओ आसपास में एनजीओ ढूंढो। दोस्तों जैसे आपके पास अगर कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप अपने आसपास एजुकेशन को, एजुकेशन के रिलेटेड जो एनजीओ हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। या दोस्तों जो आपके प्रोफेशन हैं, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और टीचर हैं और बहुत सारे जितने भी मैंने पोस्ट अभी बताया था, एजुकेशन कोर्स बताया, उस कोर्स के आधार पर आप किसी भी एनजीओ को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में और सारे जो इन्फॉर्मेशन हैं कि आप किस तरह के एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं और क्या और माध्यम हैं आप उसको ज्वाइन करने, आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा। दोस्तों आप इजीली, आपको स्टेप बता देता हूं कि आप एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एनजीओ से कांटेक्ट करो। दोस्तों अगर आप किसी एनजीओ को कांटेक्ट करते हो ज्वाइन करने के लिए, अगर उस एनजीओ के पास वैकेंसी होगी तो आपको ज्वाइन करा लेंगे, परंतु अगर उनके पास कोई ज्वाइनिंग ना हो, कोई वैकेंसी ना हो तो ज्वाइन नहीं कराएंगे। मगर आप क्या करें कि अपना रिज्यूमे, अपना बायोडाटा, कॉन्टेक्ट वहाँ पर छोड़ दें और आप उनसे रिक्वेस्ट करके रखें कि कोई भी वैकेंसी आती है तो सर हमको ज्वाइन कराने का या हमको इन्फॉर्मेशन कराने मतलब दे दीजिएगा कि हम इजीली आकर आपको ज्वाइन कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से कोई भी अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, आप उस चीज़ का लाभ उठा सको। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।